दोस्तों ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है, इसे आप देख के समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों दिखाता हूँ इस वीडियो में कि रसल वाइपर का बेबी और स्पेक्टिकल्ड कोबरा का बेबी दोनों एक न्यूरोटॉक्सिक वेनम है और एक ह्यूमोटॉक्सिक वेनम है। दोस्तों रिलीज करके दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में, नजर जमा रखिएगा क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेते हैं दोस्तों 2-4-10 मिनट का वक्त। तो दोस्तों ये हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों ये रसल वाइपर का बेबी हो गया। दोस्तों ऐसी स्थितियां बहुत कम देखने को मिलती है, इस वीडियो को देख के दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया स्पेक्टिकल्ड कोबरा की बेबी। तो दोस्तों ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है, ये हमारे भारत में बहुत ही कॉमन है, लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये रसल वाइपर का बीबी है, इसके अंदर दोस्तों हीमोटॉक्सिक जहर पाए जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक सांप है। दोस्तों इसे काटने के बाद में सड़न सा पैदा हो जाता है। तो दोस्तों ये हो गया स्पेक्टिकल्ड कोबरा की बीबी। तो दोस्तों इनको यहाँ पर रिलीज करके काफ़ी सुकून और शांति मिलेगी। चलते चलते दोस्तों ये बताना चाहते हैं आपसे कि आप समझ सकते हैं अगर एक बार रसल वाइपर कोबरा को काट ले तो क्या होगा, या कोबरा सांप रसल वाइपर को काट लेगा तो क्या होगा। दोस्तों एक के अंदर हीमोटॉक्सिक वेनम और दूसरे के पास न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही खतरनाक हैं, आप इन्हें देख के समझ सकते हैं। बात यह है दोस्तों कि दोनों का नुकसान होगा, दोनों मर तो नहीं सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोनों का नुकसान हो सकता है। दोस्तों उसी के सिलसिले में ये हो गया एक साइज का स्पेक्टिकल्ड कोबरा। और दोस्तों आपको एक बिग साइज का स्पेक्टिकल्ड कोबरा दिखाते हैं रिलीज करके। दोस्तों एक साथ नर और मादा स्पेक्टिकल्ड कोबरा, दोस्तों इनके बच्चे बहुत ही खतरनाक होते हैं। रसल वाइपर के दोस्तों बच्चे जितने छोटे हैं ये इनके उतने ही बड़े दांत हैं, लगभग पूरी तरीके से पॉइजनस हो चुका है, अगर ये बाइट करेंगे तो उतना ही खतरा करेंगे। दोस्तों इनके भी काटने के बाद में वही हीमोटॉक्सिक जो जहर है वो सड़न सा पैदा करता है दोस्तों, इनके काटने के बाद में वो जल्दी से इलाज नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये दोनों बहुत ही जहरीले सांप हैं हमारे भारत के। जब भी ऐसा सांप काटे तो सीधा आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाइए, कोई झाड़ फूक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं। अंधविश्वास के चक्कर में दोस्तों आने के बाद हमारे देश प्रदेश में बहुत सी सारी मौतें होती रहती हैं। तो चलिए हम इसको यहीं पर रिलीज़ कर देते हैं दोस्तों। ये बेबी रसल वाइपर के बच्चे और बेबी स्पेक्टिकल्ड कोबरा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ऐसा मंजर जल्दी देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों ये हो गए रसल वाइपर के बच्चे। इस तरीके से दोस्तों इनको यहीं पर रिलीज़ करके हमें काफ़ी सुकून और शांति मिलेगी। दोस्तों इन्हीं से हमारा पर्यावरण सेफ है और इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। आए दिन दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है, लोग इसे देखते ही डंडे लेकर के दौड़ाते हैं और मार देते हैं। अपने जीवन की दिनचर्या से है घर के अंदर से निकाल करके इन्हें जंगल में रिलीज़ करना, छोड़ देना, अपने पर्यावरण को बचाना और इन बेजुबानों को भी बचाना। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं अगर एक बार एक कोबरा सांप और एक रसल वाइपर को काट ले और रसल वाइपर कोबरा सांप को काट ले तो क्या होगा। कमेंट में दोस्तों आप अपनी राय दीजिएगा। क्या थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जियो के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय।